आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राजस्थान के दौसा जिले में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के बाद पूरे देश के चिकित्सकों में आक्रोश का माहौल है। इसी को देखते हुए IIM आगरा ने शहीद स्मारक पर एक रैली का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी चिकित्सक शामिल हुए। आज ये प्रदर्शन हम लोगों ने अर्चना शर्मा जो दौसा वाली इनकी आत्महत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं, एक हत्या थी, जिसने हिंदुस्तान के पूरे डॉक्टरी समूह को झकझोर कर रख दिया और सभी आक्रोश में हैं। और उनका सोचना तो यही है कि मौत का बदला मौत, हम भी खून का बदला खून लेंगे और उसके लिए जो भी करना चाहे उस स्तर से जाएंगे। इसीलिए आज हमने ये 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल रखी है और इसके अंदर सारी सेवाएँ बंद रही हैं, चाहे वो इमरजेंसी हों, OPD हों या इंडोर हो, कोई भी टेस्टिंग हो, पैथोलॉजी हो, सब अभूतपूर्व बंद हुआ आगरा के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर समुदाय के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। हमको 24 घंटे लगभग हॉस्पिटल में सेवा देते हैं हम, और ये भी मान लीजिए कि बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम अंतिम रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। मतलब अधिकांश बीमारियों को ठीक कर देते हैं हम, लिमिटेशंस होते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के, उस दौरान इलाज के दौरान कभी कभी मृत्यु भी होती है। आज हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि एक अर्चना शर्मा नाम की डॉक्टर जो कि गांव में महिलाओं की सेवा में लगी हुई थी, उसके यहाँ पर एक अनहोनी हुई। ये अनहोनी उसके भी हाथ में नहीं थी, उसने अपना पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके ऊपर 302 की धारा लगा दी गई। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी कम्युनिटी के मेंबर जो एक बहुत कैपेबल डॉक्टर थी, ऐसा नहीं कि वो पहली बार किसी की डिलीवरी करा रही थी। और देखिए, ये आप सबको समझना होगा कि इलाज के दौरान लाख कोशिश करने के बाद भी हम मरीज को नहीं सेव कर पाते हैं। ये एक ऐसा आक्रोश है जो चिकित्सक 24 घंटे जनहित में जन स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं और आज वो मजबूरन सड़क पर आए हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल के, क्योंकि लोगों ने, वक्ताओं ने काफ़ी अपने विचार रखे हैं। आज हम डॉक्टर अर्चना शर्मा की जो सुइसाइड हुआ है उसके लिए बहुत बहुत अपनी संवेदना उनकी फैमिली के साथ प्रकट करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्चना शर्मा की मृत्यु से हम सब लोग बहुत दुखी हैं और हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे प्रोफेशन कहाँ जाएगा। बहुत ही हम लोग इसमें बहुत दुखी हैं इस घटना को लेकर। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा, ये स्ट्राइक नहीं है, ये जस्ट कम्प्लीट शटडाउन है। आपके मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टरों के साथ उपद्रव मारपीट की घटनाएं करना बंद करें, अन्यथा उन्हीं के लिए आगे बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं। बुली टोटली गलत है और उसके बाद ये प्रेशर बनाना, एक्सटॉर्शन करना, पैसे मांगना, और वो डॉक्टर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, जो डाइन डिक्लेरेशन है, उसमें तो अगर पढ़े कोई भी इंसान तो समझ सकता है कि कितनी आहत वो लेली डॉक्टर हुई है, जिसने ये लिखा है कि मैं आत्महत्या करके ये बताना चाहती हूँ कि मेरी गलती नहीं। ये श्रद्धांजलि तो अर्पित की गई है, यहाँ पे कम से कम 700-800 डॉक्टर जो आगरा के हैं और शायद ही आज सारी चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। मैंने पिछले 25 साल में पहली बार ऐसा देखा है कि इमरजेंसी चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। एक डॉक्टर को समाज के प्रेशर में आकर गलत तरीके से दबाव डालकर उसको प्रताड़ित करना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बात है। हमारा इस स्ट्राइक को करने का, इस हड़ताल करने का एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को भी, शासन को भी और प्रशासन को भी ये जागरूक कर सकें कि ये जो इस तरह का जो घटना हुई है, इस घटना की आगे प्रवृत्ति ना हो और डॉक्टर इसके साथ में स्वतंत्र रूप से रह करके काम कर सकें। देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अज्ञानतावश जो जनता में ज्ञान की कमी है उस वजह से हो रही है। मेरे ख्याल से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए और हमारी डिग्री वापस ले लेनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, इलाज ही नहीं कर सकते, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमको लाइसेंस क्यों देती है? और मैं PPH के बारे में कुछ बताना चाहूँगी आम पब्लिक को। PPH एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो हमें कभी नहीं पता कि जब पेशेंट हमारे पास डिलीवरी के लिए आए हैं तो किस मरीज को हो जाए। हाई रिस्क केसेस होते हैं, तो क्या हाई रिस्क केसेस लेना बंद कर दें? यदि हम हाई रिस्क केसेस लेंगे तभी हमें कॉम्प्लिकेशन का पता चलेगा। तो पहले तो ये समझना होगा कि कॉम्प्लिकेशन में और जो भी उस प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन में
और जो मरीज डॉक्टर के द्वारा होने वाली नेग्लिजेंस में क्या फ़र्क है, ये आम जनता जब तक ये नहीं समझेगी तब तक डॉक्टरों को हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी, मरीज भी नहीं समझ पाएंगे कॉम्प्लिकेशन हुआ है या नेग्लिजेंस।